रूस ने जब से ब्लैक सी अनाज डील तोड़ी है तब से ही पुतिन की सेना ब्लैक सी और क्रीमिया से यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर ओडेशा पर ये हमले सबसे ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यही बंदरगाह यूक्रेन को ब्लैक सी से जोड़ता है और रूस चाहता है कि ओडेशा पूरी तरह से बर्बाद हो जाए ताकि यूक्रेन से अनाज की सप्लाई अन्य देशों को ना हो पाए। एक आंकड़े के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 19 और 20 जुलाई की आधी रात को कम से कम 38 मिसाइल हमले किए हैं। इनमें से यूक्रेन 18 हमलों को नाकाम करने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से दागी गई एक ऐसी मिसाइल थी जिसके आगे यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हुआ, और वो मिसाइल क्रीमिया से यूक्रेन के आसमान को चीरती हुई ओडेशा पर जा गिरी। जिस मिसाइल को लेकर ये दावा किया जा रहा है उसका नाम P-800 ऑनिक्स मिसाइल है। वो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और जब ये टारगेट के करीब पहुंचती है तो पानी से इसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक हो जाती है, और यही वजह है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को मार नहीं पाया। लेकिन यहाँ एक और ऐसी बात है जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, वो ये है कि इस P-800 ऑनिक्स मिसाइल का भारत से बहुत बड़ा कनेक्शन है। आपने इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो सुना ही होगा। ब्रह्मोस मिसाइल को रूस और भारत की संयुक्त कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने मिलकर बनाया है, और ब्रह्मोस मिसाइल रूस की P-800 ऑनिक्स और यखोंट मिसाइल का ही एक वर्जन है, और यूक्रेन युद्ध में इन दोनों ही मिसाइलों ने कहर बरपाया हुआ है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही दुश्मन पाताल में ही क्यों ना छिपा हो, वो इस मिसाइल के निशाने से बच नहीं सकता। ब्रह्मोस मिसाइल को जलजले का दूसरा नाम ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि ये न सिर्फ जमीन पर टारगेट को तबाह करती है बल्कि ये एक एंटी शिप मिसाइल भी है, और इसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ये Mach 2.8 यानी ध्वनि की गति से करीब 3 गुना रफ्तार से हवा में उड़ान भरती है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि लॉन्चिंग के बाद इस मिसाइल को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका मतलब ये हुआ कि एक बार टारगेट पर ब्रह्मोस को दाग दिया तो ये बिना रुके सीधे लक्ष्य को तबाह करके आती है, यानी दागो और भूल जाओ के नियम पर ये मिसाइल चलती है। ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ताकतवर है कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इसके सामने टिक नहीं सकता, और यही वजह है कि दुनिया के 6 देश इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, UAE, सऊदी अरब और ओमान ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। वहीं चीन का मुकाबला करने के लिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल का जनवरी 2022 में एक बड़ा सौदा भी किया था। आपको बता दें कि ये मिसाइल इतनी भयानक है कि हवा में ही अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। इसके अलावा ये चलते फिरते टारगेट को भी मिट्टी में मिला देती है। दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए ब्रह्मोस 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकती है, और इसकी रफ्तार 4000 किलोमीटर से ज्यादा पहुंच सकती है। इसके अलावा ये मिसाइल 200 किलोग्राम का वॉरहेड भी ले जा सकती है, और यही वजह है कि रूस ने P-800 ऑनिक्स मिसाइल से यूक्रेन में तबाही मचा रखी है।